आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज़। खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी। नागपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पद्धति से कराने की मांग पिछले कुछ दिनों से की जा रही थी, किंतु इस ओर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। विद्यत परिषद के संदर्भ में पिछले दिनों हुई बैठक में नागपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में महाविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धति से किए जाने के बारे में गहन चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. सुभाष चौधरी ने परीक्षाएं ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों पद्धति से किए जाने की घोषणा की है। उपकुलपति की इस घोषणा से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में आनंद की लहर दौड़ पड़ी है। कहा जा रहा है कि उपकुलपति ने भंडारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों समेत विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की मांग पर उक्त फैसला किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का नेटवर्क न होने, स्मार्टफोन न खरीद सकने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपकुलपति ने उक्त घोषणा की है। सभी को परीक्षा आसानी से देने को मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मिक्स मोड में परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।